डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। रेलवे रोड वाशिंदो द्वारा नगर निगम के खिलाफ लगाए गए बैनर रात के अंधेरे में किसी ने उतार फेंके। अलबत्ता फर्स्ट बाइट टीवी द्वारा खस्ताहाल सड़क से लोगों को हो रही परेशानी को प्रमुखता से दिखाने का असर ये हुआ कि आज सुबह ही नगर निगम हरकत में आ गया। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता भी तुरंत ही वहां पहुंच गए। सड़क के गड्ढों को अस्थायी रूप से भरने का कार्य शुरू हो गया। रोड़ी डालकर उस पर रोड रोलर चला दिया गया। क्षेत्रीय जनता ने जहां फर्स्ट बाइट टीवी का आभार व्यक्त किया, वहीं अजय गुप्ता का कहना है कि इस मार्ग के लिए 1,55,00,000 रुपए का बजट पास हो चुका है। टेंडर होने ही वाले थे कि चुनावी आचार संहिता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। चुनाव के बाद अब इस मार्ग को व्हाइट टॉपिंग के जरिए बनाने की बात की जा रही है, जिस कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए इन गड्ढों को भरवाया जा रहा है। पहले देखिए, बीते दिवस रेलवे रोड के परेशान नागरिकों ने फर्स्ट बाइट टीवी से क्या कहा था। दुर्गति हो रही है जी इस वार्ड के लोगों की। बार बार विधायक जी, बार बार मेयर साहब, सांसद महोदय और यहाँ के क्षेत्रीय सभासद जी हैं रोहित जी, उनको भी इस बारे में बार बार अवगत कराया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, परंतु कहीं से कहीं तक आज तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हो रही है। केवल एक फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ मेयर साहब आते हैं, एक गड्ढा भरवाते हैं और फोटो अखबार में छुपा करके चले जाते हैं। रेलवे रोड से ही हूँ और यहाँ की जनता को त्रस्त होने के बावजूद, सब जी तरह से सरकार को सपोर्ट करने के बाद भी यहाँ की जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही और पब्लिक परेशान है और रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है। बच्चे, लेडीज और कोई भी हो, इवन पुलिसकर्मी भी यहाँ पे गड्ढों में गिरते हुए देखे गए हैं। अच्छा। और जब बरसात होती है तो इस स्वच्छ भारत के नालों का गंदा पानी सड़क पे बाहर आता है और उसमें सारे यहाँ पे जो भी वाहन निकलता है, सभी पब्लिक शहर से, जो भी यहाँ का मुख्य मार्ग है मेरठ शहर का, और इसकी वजह से ही सबको बहुत ज्यादा दिक्कत का कारण है। तो खुद ही यहाँ के फोटो खिंचवा के गए। अच्छा। मैंने तो सड़क का नाम ही मौत की सड़क रख दिया। अच्छा। और क्या, आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ जो आपने उसको मौत की सड़क का नाम दे दिया? सड़क है ही ऐसी, हो जाएगी। देखो ना हालत, तो देखो क्या है। मैं सिकंजी का ठेला लगाता हूँ, 4 दफे ठेला पलट गया है सड़क पे। अच्छा। इतनी गंदी सड़क हो रही है, सारे इतने गड्ढे हो रहे हैं, यूं ही पलट जाता है लाकर। ये रेलवे रोड है, मेरठ की लाइफ लाइन है एक तरह से। इसकी ये हालत होगी तो बताओ क्या होगा। पूरा दिन यहाँ धूल ऐसी रहती है, कोहरा, दिसंबर जनवरी में कोहरा होता है, सारा सामान दुकान का खराब हो रहा है, ग्राहक की खत्म हुई पड़ी है इस समय चक्कर में। अब आज का नजारा भी देखिए। कल हमारे क्षेत्र की समस्या के विषय में फर्स्ट बाइट टीवी द्वारा उसको प्रमुखता से दिखाए जाने पर और उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है कार्य मरम्मत कार्य प्रारंभ होने पर फर्स्ट बाइट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सचिन जैन, वार्ड 42 का नागरिक। कल रेलवे रोड की
जर्जर स्थिति के मद्देनजर जनता द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, जिसको फर्स्ट बाइट टीवी ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था, और उसी के परिणाम स्वरूप आज रेलवे रूट के गड्ढे भरने चालू हो गए हैं। इसके लिए हम सभी वार्ड के नागरिक फर्स्ट बाइट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। आपके आसपास की सड़कों की क्या दशा है वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।